नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम रीट में विगत सालों में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस कर रहे हैं, और इस संदर्भ में हमने 25% के दो पार्ट हैं वो पहले कर लिए थे, और ये जो थर्ड पार्ट है 25% का, उसका पहला वीडियो कल हमने कर लिया। आज हमारा ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आधुनिक भारत के वो टॉपिक्स देख रहे हैं जो रीट के सिलेबस में हैं तथा जहाँ से विगत सालों में रीट एग्ज़ाम के अंदर सवाल पूछे गए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 1857 की क्रांति के बाद के दौर का है, जिसमें भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। उस दौरान कौन कौन से सुधार हुए तथा कौन कौन से ऐसे पक्ष रहे जिसने हमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ साथ पुनर्जागरण के लिए नींव रखी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक आधार तैयार किया। आज जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के कुछ टॉपिक हैं उनको छुएगा। साथियों, एक ध्यान रहे, यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस में उन्हीं पक्षों को शामिल किया जा रहा है जो रीट एग्ज़ाम में आए हैं या आने की संभावना है। ये टॉपिक जब आपके क्लास में होगा तो और ज़्यादा गहराई के साथ होगा। वहाँ पे आपके कोई भी ऐसा तथ्य या कोई भी ऐसा पक्ष है जो अधूरा नहीं रहेगा, तो आप यहाँ जो ये क्लास ले रहे हो इसके अलावा जब आप नियमित क्लास लोगे तब आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। कई साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें। तो रीट एग्ज़ाम के लिए आपको कोई पब्लिकेशन की या भारी भरकम किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान की ऑथेंटिक बुक हैं वो, या NCERT 6 से लेकर 12th तक जो किताब हैं उनको आप रेफरेंस बुक के तौर पर पढ़ सकते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे उस दौरान हम देखेंगे कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जो गाइड है उस गाइड से सवाल नहीं आए, सवाल NCERT या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से आए। चलो आज हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप डिस्कशन में अंत तक बने रहिए साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, RTET 2012 के अंदर इसको पूछा गया है। आप क्वेश्चन को पढ़िए साथियों और आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है कि महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। लेखन कार्य, इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। पुस्तकें 1876 में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका कौन थी? यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का सिंपल सा आशय यह है कि आमार जीवन 1876 में जो पुस्तक लिखी गई उसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन ए है रस सुंदरी देवी, ऑप्शन बी है कैलाश वासिनी देवी, ऑप्शन सी है रोकैया शेखावत और ऑप्शन डी है पंडिता रमाबाई। आप आंसर दीजिए साथियों। देखिए कि ये क्वेश्चन किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप 10th NCERT की जो 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक को पलटोगे तब ये सीधा सीधा दिया हुआ है। आधुनिक काल के अंदर जो लेखिकाएँ हैं सामाजिक सुधार के ऊपर जिन्होंने अपनी कलम चलाई है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इसका राइट आंसर है साथियों रस सुंदरी देवी। आमार जीवन, माई लाइफ नामक एक आत्मकथा लिखी थी, और ये आधुनिक भारत के अंदर आत्मकथा लिखने वाली, ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली पहली महिला थी। वहाँ से ये सवाल पूछा है, और उन्होंने अपने जीवन के बारे में और साथ ही साथ अन्य रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन जो बंगाल की महिलाएं हैं उनके बारे में सुंदर चित्रण किया है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आगे का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि रस सुंदरी देवी का जो फेज है वो 1800 से लेकर 1899 तक का है, यानी कि ये 19वीं शताब्दी की महिला विचारक है, बंगाली लेखिका है, यानी बंगाल के अंदर ये लिखा है, और ये प्रथम भारतीय महिला है साथियों जिन्होंने आत्मकथा लिखी है खुद की। ये इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ से भी बन सकता है। प्रथम भारतीय महिला लेखिका जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी वो रस सुंदरी देवी होगा, और इसका नाम था आमार जीवन यानी कि माई लाइफ, जो 1876 के अंदर सामने आई। 1876 का दौर वो है जब भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन अपने चरम पर है, अपने उत्कर्ष पर है। क्लियर साथियों,
रसुंदरी देवी के बारे में इतनी सी जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है कि आमार जीवन जो प्रथम भारतीय आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई, आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा में या बांग्ला भाषा में। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी ऑप्शन में एक और आया था रोकैया शेखावत, इसका दौर था साथियों 1800 से लेकर 1932 तक का, यानी कि ये भी 19वीं शताब्दी की महिला है। इनका पूरा नाम था रोकैया शेखावत हुसैन, इनको लोकप्रिय नाम बेगम रोकैया के नाम से जाना जाता था। ये भी एक बंगाली लेखिका है, शिक्षाविद हैं और नारीवादी विचारक हैं। ये ध्यान रहे साथियों, 10th की सामाजिक विज्ञान की किताब में रोकैया शेखावत के बारे में भी दिया गया है, और उन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें प्रमुख रचना है पिपासा। ये ताटी नहीं है साथियों, यहाँ आएगा माटी चूर और सुल्ताना ड्रीम। ये तीन पुस्तकें हैं वो रोकैया शेखावत या बेगम जो रोकैया है उन्होंने लिखी है। ध्यान रहे ये भी बंगाली भाषा की लेखिका है। सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि माटी चूर पुस्तक 19वीं शताब्दी में किस सामाजिक लेखिका है उसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोकैया शेखावत। क्लियर दोस्तों, सुल्ताना ड्रीम, माटी चूर और पिपासा, ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। पंडिता रमाबाई का दौर 1858 से 1922 तक रहा। ध्यान रहे साथियों, ये पंडिता और सरस्वती की उपाधि धारण करने वाली पहली भारतीय महिला है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने दी थी। पंडिता एंड सरस्वती, सरस्वती संस्कृत के अंदर एक सर्वोच्च उपाधि है और संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान होते हैं उनको दी जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रमाबाई को ये उपाधि किस विश्वविद्यालय ने दी थी, बताइए। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दी थी। ये भी 19वीं शताब्दी की एक सामाजिक सुधारक है और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द हाई क्लास हिंदू वुमन, यानी कि उच्च वर्ग की जो हिंदू महिलाएं हैं उनके बारे में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, अपनी कलम चलाई है। ये स्वयं उच्च वर्ग की थी, ब्राह्मण जो वर्ग है उसमें इनका जन्म हुआ था, हालांकि इन्होंने कायस्थ परिवार में शादी की थी, बंगाली परिवार में। तो ये ध्यान रहे आपको कि पहले क्वेश्चन में हमने 19वीं शताब्दी की तीन महिलाएं जिन्होंने समाज सुधार के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी रचनाओं से समाज के अंदर एक एक नया मैसेज गया, एक नया संदेश गया, उनके बारे में हमने देखा, जिसमें एक न सुना हुआ नाम रसुंदरी देवी हमने पढ़ा, रोकैया शेखावत को पढ़ा और पंडिता रमाबाई को भी पढ़ा। पंडिता रमाबाई की इस बुक को आप याद रखना, अभी एक्सप्लेनेशन के दौरान ये बुक काफ़ी काम आने वाली है। इन्होंने द हाई क्लास हिंदू वुमन के बारे में लिखा है, उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो टिप्पणी करनी चाहिए, जो लेखन किया जाना चाहिए वो किया है। ये याद रहे आपको, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रसुंदरी देवी, रोकैया शेखावत, पंडिता रमाबाई। आगे बढ़ते हैं साथियों, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो रीट 2015 में पूछा गया, 2015 तक आरटेट और बाद में रीट हो गया। क्वेश्चन यह है कि हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ। फुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कानूनों की और पॉलिटिकल जो साइंस है उसकी किताब को पढ़ोगे तो ये आ जाएगा अपने आप। ये हिस्ट्री का सवाल नहीं है, या फिर हिस्ट्री का सवाल है तो भी स्वतंत्रता के बाद जो भारत है उसका क्वेश्चन है ये। आप इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। हिंदू विवाहित महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने विवाह कर लिया है, अगर वो पृथक रहना चाहती है तो अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। ये अधिनियम कब पारित हुआ, 1955, 1956, 1946 और 1977। दीजिए राइट आंसर आप। देखिए साथियों, 55 और 56 में ये नहीं है, आगे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तब देखेंगे। हिंदू महिलाओं के बारे में इस प्रकार का नियम 77 में तो आएगा ही नहीं, 77 तो काफ़ी बाद का दौर है।
यानी कि इन तीन में से एक होगा, ये दो हम पढ़ते आए हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में चर्चाएं होती है। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1946 के अंदर आज़ादी से थोड़े दिन पहले ये अधिनियम है, ये लागू हुआ था भारत में। 2019 में इस अधिनियम के अंदर संशोधन भी हुआ है, वो आपके काम का नहीं है, वो अगर दूसरे एग्जामों की तैयारी करेंगे तो उनके लिए कुछ चीज़ें काम में आएगी कि इस अधिनियम की धाराओं में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक आवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1946 में आया आज़ादी से पहले। हिंदू विवाह अधिनियम है ये 1955 में आया, हिंदू कोड बिल। उसके अगले साल हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 आया। 56 में ही हिंदू अल्पसंख्यक एवं भरण पोषण अधिनियम भी आया। 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया। तो 56 में तीन अधिनियम आए हैं, ये ध्यान रखना, एक तो ये हो गया, दो अन्य। 1977 के अंदर संसदीय कार्यवाही उसका प्रकाशन एवं संरक्षण अधिनियम आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1977 में ही जल जो प्रदूषण है उसके लिए संरक्षण हेतु अधिनियम आया था। 1977 में और भी बहुत सारे अधिनियम आए, लेकिन हमारे काम के ये इतने ही हैं। यानी कि इस क्वेश्चन से आज से ये है कि पूर्णतः फैक्चुअल चीज़ है, आपको आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले समाज सुधारक के तौर पर, महिलाओं के सुधारक के तौर पर कौन कौन से अधिनियम आए हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, उनका फेज याद कर लेना चाहिए कि ये अधिनियम किस काल में आया है और क्यों आया है। यदि महिलाओं के लिए आया है तो महिलाओं का, यदि दासों के अनुमूलन के लिए आया तो दासों का, यदि मानवाधिकार के लिए आया तो मानवाधिकार का, उस टाइप से आपको एक सारणी बना लेनी चाहिए और उसका बार बार रिवीजन करना चाहिए। देखिए कई बार जब मैं वापस अपने जो वीडियोज हैं उनको देखता हूँ तो स्टूडेंट की ये डिमांड रहती है, सर ट्रिक। तो इतिहास जैसे विषय में और किसी भी विषय में ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, बार बार पढ़ना ही ट्रिक होती है। आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप आपके जहन में वो चीज़ें आती जाएगी। ट्रिक से क्या होगा कि आप बिना फालतू की जो चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करोगे, कोई मतलब ही नहीं है, जिसका के से के को मिलाओगे, खे से खे को मिलाओगे, तो वो तो जब एग्ज़ाम होगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बार बार पढ़िए, ट्रिक्स आपको भुलावा देगी, ट्रिक्स आपको भ्रम पैदा करेगी। तो आप इन अधिनियमों को बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ही आ जाएगा क्रोनोलॉजिकली आपके दिमाग में। सप्ते में 3-4 बार पढ़ोगे तो ये आपकी स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्यों, ये भी रीट 2015 में पूछा गया। सवाल ये है कि 19वीं शताब्दी में 1856 का वर्ष है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों रहा, बताइए आप क्यों रहा। चार ऑप्शन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नंबर बी है, कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। नंबर सी, सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। और डी है, डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। देखिए अगर आपने बहुत अच्छे से अधिनियमों को डेट वाइज, फेज वाइज और क्यों आए उनको कर रखा है तो यहाँ से ही आपका राइट आंसर होने की प्रबल संभावना है। यहाँ राइट आंसर होगा साथियों कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ अगर इस अधिनियम की हम बात करते हैं तो एक शख्स की बात करते हैं जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था, बताइए आप क्या नाम था, सोम प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश है वो दयानंद सरस्वती का है, जबकि सोम प्रकाश है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। एक चीज़ बताइए साथियों कि ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा गया है, जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल ये था कि 1856 का हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब पारित हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
डेप्थ जाओगे तब यही होगा। कई ये पूछ रहे हैं कि सर इतने डेप्थ के लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे। किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जब पढ़ो तब उस तथ्य के आसपास और कौन सी चीज़ें घटित हुई जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है उनको देखिए। आप पढ़ते वक्त थोड़ा रुकिए, अपने आप ही आपको ऐसे लगेगा कि चीज़ें कलेक्ट होकर एक जगह आ रही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय कई साथियों ने डलहौजी बोला है, डलहौजी नहीं होगा साथियों। ये फरवरी के महीने में फरवरी 1856 के अंदर लॉर्ड डलहौजी को वापस लंदन बुला लिया गया और उनकी जगह एक नए वायसराय को या गवर्नर जनरल को भेजा गया जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग के काल में ही ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सामने आया, तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के बाने ये जो चार अधिनियम आए इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए साथियों कि पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, नियम 15 के तहत पारित हुआ, ये भी ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? आगे अभी हम एक क्वेश्चन का जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी से छोटी चीज़ भी एग्जाम में गलती करवा देती है। सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम 1929 में आया, इसके लिए जिसने कार्य किया उसका नाम था राजा राम मोहन राय, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। नियम 17 के तहत ये पारित हुआ, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये याद रखना आपको। और इस समय जो गवर्नर थे वो थे विलियम बेटिक के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। क्लियर। कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम 1902 में नियम 4 के तहत लॉर्ड वेलेजली के काल में पारित हुआ, वेलेजली। और अगर हम बात करें डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम तो वो 1953 में लॉर्ड डलहौजी के काल में पारित हुआ, डलहौजी के काल। साथियों ये देखिए, डाकन प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह तो एक अच्छा कदम था, बाकी ये सती प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा, ये सब के सब महिलाओं को समाज में पीछे की तरफ ले जाने वाले कार्य थे। भारतीय समाज सुधारकों ने तथा अंग्रेजों ने मिलकर इन अधोगामी कार्यों के खिलाफ अधिनियम बनाए और उसी समय से महिलाओं की स्थिति के अंदर कुछ सुधार होने लगा। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, अभी भी पितृसत्तात्मक सोच और कन्याओं का वध एक आधुनिक तरीके से किया जा रहा है, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर ये जो अधिनियम आए इनसे महिलाओं के सामाजिक सुधार में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। क्लियर साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया। ये रीट 2015 के अंदर पूछा गया है। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया, वही सवाल यहाँ पूछ लिया गया। ये कई बार होता है, आप विगत सालों में आए हुए सवालों के साथ साथ केवल रीट की बात नहीं कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या और भी कोई दूसरे एग्जामों में इतिहास के आए हुए सवालों का एनालिसिस अपने आप कर लीजिए। आपको ऐसे लगेगा कि एग्ज़ाम में वहीं से सवाल वापस बने, चाहे तो आप साइकोलॉजी का, आप पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, सभी सब्जेक्टों का ऐसा पैटर्न बना सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सभी एग्जामों में आए हुए सवालों को आप पढ़िए, उनका एनालिसिस कीजिए, वहीं से सवाल बनेगा। तो आप इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि नियमन 1829, नियमन 20 1831, नियमन ये कितना हो गया 10 5 15, 1836, नियमन 1829। तो देखिए 1831 और 1836 तो वैसे ही कट गया। अब हमने देखा था नियम 17 यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। हो सकता है कि जब टाइपिंग की है अभी तब यहाँ गलती हो गई, ये यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था। मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। अभी हमने पढ़ा था नियम 17, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों नियमन 17, यानी कि नियम 17 1829 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया। सती प्रथा का आशय यह है कि अब कोई भी महिला अपने पति की मृत्यु के पश्चात
अग्नि के अंदर अपनी जान को कुर्बान नहीं करेगी, अधोगामी कदम था। यहाँ राजा राम मोहन राय के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं साथियों कि राजा राम मोहन राय ने ये अधिनियम तो पारित करवाया ही करवाया, इसके साथ एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की कोलकाता में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में कब की। आज का डिस्कशन रहेगा उसमें आप और हम साथ साथ चलेंगे ताकि आपको किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए कौन कौन सी दिशाओं में जाना है, कितना गहराई में जाना है ये भी पता रहे। देखिए हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की, पहली बात तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की, कोलकाता में की। सवाल ये भी बन सकता है कि किसके सहयोग से की, तो इसमें सहायक थे, आप बोलिए कौन थे सहायक, सहायक थे डेविड हेयर। डेविड हेयर एक घड़ीसाज थे, घड़ी बनाने वाले थे और उनके सहयोग से इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सवाल उठता है साथियों कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अलावा भारत में एक जगह और भी स्थापित हुए, बताइए कहाँ हुई, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई है साथियों बनारस में। बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने की है कमेंट बॉक्स में बताओ आप। ये स्थापना 1898 में हुई है और किसने की है साथियों, ये स्थापना की है एनी बिशेंट ने। देखिए कोलकाता वाली की स्थापना कर रहे हैं, उनका नाम है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, जबकि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं एनी बिशेंट। बाद में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज हैं वो 1916 में मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय यानी ट्रिपल एम ने इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, बनारस हिंदू वीवी बना दिया। यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदू कॉलेज तो एक ही था बनारस में, नहीं कलकत्ता में भी था 1817 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सामने आया। बाद वाला भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो वो सीधा मदन मोहन मालवीय को टिक मार करते हैं, गलत है। 1898 में एनी बिशेंट ने इसकी स्थापना की, बाद में उसी जगह पर उसको मॉडिफाई किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया मदन मोहन मालवीय ने। और मदन मोहन मालवीय को अभी विगत सालों में नई सरकार ने भारत रत्न का जो दर्जा है वो भी दिया मरणोपरांत। क्लियर साथियों, अब हम ये देख लेते हैं राजा राम मोहन राय है, इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था, भारतीय भाषाओं के साथ साथ इनको लेटिन अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन हिब्रू भाषाओं का ज्ञान भी था। विदेशी भाषाओं के इतने बड़े विद्वान होने के कारण इन्होंने खूब सारी रचनाएं की। इनकी पत्रिकाओं में देखें तो संवाद कौमुदी जिस भाषा में लिखी उसका नाम था बांग्ला, बांग्ला भाषा में लिखी। अगर मिरातुल अखबार की बात करें तो ये फारसी में लिखा है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और अगर ब्रह्मनिकल मैगजीन की बात करें तो ये अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी। आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे कि ये रचनाएं किसने की है, तब आंसर होगा राजा राम मोहन राय। सवाल ये बनेगा कि इनकी भाषा कौन कौन सी है, तो आपको ये आंसर देना है। आपको बता दें इन्होंने एक और पत्र निकाला था जिसका नाम था बंगदूत। बंगदूत की खासियत थी कि ये फारसी में भी था, ये हिंदी में भी था और ये बांग्ला में भी था, यानी कि 3 भाषाओं में एक साथ निकलता था ये। राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं, अग्रदूत कहलाते हैं। इन्होंने सती प्रथा के विरोध के साथ साथ एक भारतीय समाज में एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए एक समाज की स्थापना की जो कहलाता है ब्रह्मा समाज। ब्रह्म समाज से पहले ब्रह्मा सभा की स्थापना की उन्होंने, और वो स्थापना थी दोस्तों 1828 में। फिर आगे चल के यही बन गया ब्रह्म समाज। आपको बता दें इसी समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन इत्यादि संबंधित रहे। आगे का जब विधिवत क्लास होगी तब हम देखेंगे इसमें विभाजन भी हुआ, एक आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, दूसरा
साधारण ब्रह्मा समाज के लाया, इस प्रकार की जो चीजें आएगी वो बाद में देखेंगे। आपको पहले केवल इतना ही याद रखना कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, बाद में ये ब्रह्म समाज में तब्दील हो गया। यहाँ एक चीज और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका नाम राजा राम मोहन राय था, ये राजा की उपाधि इन्होंने इनको किसने दी थी, राजा की उपाधि इनको किसने दी थी और क्यों दी थी, बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए, काफी रोचक है। देखिए इनको जो राजा की उपाधि है वो राजा की उपाधि मिली थी तत्कालीन मुगल बादशाह से, और उस समय का जो मुगल बादशाह था उसका नाम था अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, और ये अकबर सेकंड के दूत बन के लंदन भी गए। आप एक और कमेंट बॉक्स में चीज लिखिए कि इनकी मृत्यु भारत में हुई है या भारत के बाहर हुई है। ये जब राजा की उपाधि लेके अकबर सेकंड के दूत बन के लंदन गए तो लंदन में ही 1833 में एक जगह है जिसका नाम है ब्रिस्टल, उस ब्रिस्टल जगह पे इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो पूरी क्लास होगी तब हम बड़े ढंग से इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, राजा राम मोहन राय के बारे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आरटेट 2012 में पूछा गया। आप क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है, देखिए एक चीज और साथियों ध्यान से सुनिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये वन वर्ड वाले सवाल नहीं है। वन वर्ड वाले सवाल जैसे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो चार ऑप्शन हमें सीधे दिखते हैं और उन पे हम टिक मार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस प्रकार के जब सवाल आते हैं, लाइन के अंदर जब सवाल आते हैं, तब इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। अगर आप थोड़ी सी हड़बड़ाहट के अंदर, एग्जाम के प्रेशर के अंदर थोड़ा गलत तरीके से पढ़ लेते हैं तो आता हुआ आंसर भी आपके गलत हो जाता है। तो आप बड़े इत्मीनान के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे सवाल हैं उनमें टाइम कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधार की दिशा में, यानी महिलाओं की स्थिति में क्या होना चाहिए, सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पहचानना जरूरी है। कई स्टूडेंट देखेंगे और सीधा टिक मार कर देंगे, आपको ये पहचानना है कि कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर एक, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर शैलिंगम पंतलूक ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। अब आपने अगर वीर शैलिंगम पंतलूक को नहीं पढ़ा है तो आप ये मानोगे कि बनाया या ना बनाया हमें पता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, हम तो नॉर्थ इंडिया की चीज़ें हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, साउथ इंडिया की हिस्ट्री हमें ऐसे लगता है कि बड़ी बोरिंग होती है, टफ होती है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। ये क्यों राइट है, ये राइट इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दो बड़े नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं और वो महिलाओं के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी अधिक स्वतंत्रता की और अधिक जो मांगे हैं उनके हितों की मांगे हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये तो सही है। पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया, ऊंची जातियों की महिलाओं का सुधार की बात हो रही है। पंडित रमाबाई के बारे में अभी हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी द हाई क्लास हिंदू वुमन, उच्च वर्ग की जो हिंदू महिलाएं उनके बारे में, और ऊंची जाति की महिलाएं यहाँ शब्द दिया हुआ है। देखो उस बुक्स से आपके यहाँ क्वेश्चन राइट होने की संभावना हो रही, इसका मतलब ये भी राइट है, कथन सही है, ये भी कथन सही है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। क्या ये महिलाओं का सुधार है? रूढ़िवादी विचार तो महिलाओं को पीछे ले जाते हैं, जैसे महिलाएं केवल रसोई का काम करेगी, महिलाएं पर्दे के अंदर रहेगी, महिलाएं घर से बाहर काम करने नहीं जाएगी, महिलाएं मतलब हर एक प्रकार की पितृसत्तात्मक सोच जो महिलाओं को दबाती है वो रूढ़िवादी विचार है।
अगर ये होंगे तो ये सुधार नहीं है। अगर आप ताराबाई शिंदे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और अगर आप वीर शैलिंगम पुंतलू के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, केवल ये दो आपने राइट पहचान लिए, तो इन ए और डी में तुलना करके आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका आंसर आपको पता है गलत, ताराबाई शिंदे वाला यही होगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। आपको इतनी इत्मीनान के साथ ऑप्शन को पढ़ना होगा और उसके बाद में अपना जवाब देना होगा। ध्यान रहे यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं करनी, अरे ये नहीं आ रहा, ये हो गया, पता नहीं दिया या नहीं दिया। आप यहाँ खुद देख लीजिए, केवल एक वर्ड को पकड़िए आप, रूढ़िवादी विचारों का समर्थन करेगा वो महिलाओं का सुधार कैसे करेगा? आपको स्त्री पुरुष तुलना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इस बुक के बारे में आपको जीरो नॉलेज है। वीर शैलिंगम का नाम आपने पहली बार सुना है तो भी आप केवल रूढ़िवादी विचारों को पकड़ेंगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। एग्जाम में यही आपको इंटेलिजेंस गैस है वो लगानी है, तार्किक अनुमान लगाना है आपको, ताकि जहां आपको नहीं आ रहा है वहां भी आप अनुमान के माध्यम से थोड़ी लीड ले लें। आशा है कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा और आगे भी जब इस प्रकार के सवाल आएंगे उस दौरान आप अपनी इस लॉजिक के माध्यम से क्वेश्चन को राइट करने का प्रयास करेंगे। चलो हम ये देख लेते हैं कि महिलाओं के सुधार के लिए ये जो आए हैं वीर शैलिंगम पुंतलू, ये तेलुगु भाषा के अंदर पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। ये सामाजिक सुधारक हैं, विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने कार्य किया है, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है और इन्होंने ब्रह्म मंदिर का निर्माण कराया है जो ब्रह्म समाज से प्रेरित हैं। और 1807 में इन्होंने राजमुंद्री कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने महिला सुधार के साथ साथ सामाजिक जो पुनर्जागरण है उनके लिए अथक प्रयास किया है। आपको बता दें इनको एक उपाधि भी दी जाती है, जैसे उत्तरी भारत के अंदर राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन इत्यादि ने प्रयास किए, ठीक वैसे ही इन्होंने दक्षिणी भारत में ब्रह्म समाज को स्थापित किया तो इनको गद्य ब्रह्मा की उपाधि भी दी जाती है। ये बहुत अच्छे लेखक भी थे। तो वीर शैलिंगम ने पुनर्विवाह के लिए कार्य किया है, ये आपको विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट है पंडिता रमाबाई, जिसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इसको पंडिता की जो उपाधि है, पंडिता की उपाधि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दी है, ये भी आपको याद रखना है। वीवी ये उच्च वर्ग की महिला थी जो अभी हमने पढ़ा, और इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 के अंदर की है। दोस्त आर्य अपने आप में इसका अर्थ ही यही होता, श्रेष्ठ या उच्च, यानी उच्च वर्ग की महिलाओं की सभा, आर्य महिला सभा। आप खुद सोचिए, शब्दों के खेल से भी आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। आर्य यानी श्रेष्ठ, उच्च और उच्च वर्ग की महिला सभा है, और अभी क्वेश्चन के अंदर भी यही दिया हुआ था। अगला है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे नारीवादी विचारक थी और महिला सुधारक थी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में थी ये। आपको बता दें इन्होंने मराठी भाषा के अंदर 1882 में ही ये पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, कंपेरिजन बिटवीन मैन एंड वुमन। ये बहुत ही एक व्यंग्यात्मक किताब थी जिसके अंदर पुरुष और महिला के बीच में तुलना की गई और फिर बताया गया कि महिलाएं कहां कहां पुरुषों से हर एक क्षेत्र के अंदर पीछे हैं, और उसके पीछे रीजन एक ही है, पुरुषों की पितृसत्तात्मक सोच। पुरुष ये चाहते हैं कि हमारे अधिकार कहीं महिलाएं छीन न ले, उनको अपने अधिकार छीनने का भय है, और उस भय को इन्होंने स्त्री और पुरुष की तुलना के माध्यम से सामने रखा है और बोला है कि जब तक स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं होगा, स्त्रियों के साथ जो जो अत्याचार किया जाता है उसमें सुधार नहीं होगा, तब तक समाज सुधार होगा नहीं, समाज आगे बढ़ेगा नहीं। आपको बता दें कि ये ताराबाई शिंदे हैं, ये एक त्रिमूर्ति के रूप में भी जानी जाती है। आपको पता है भारत में एक समाज आया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, बताइए इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। नंबर एक ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी भी साथ में थी सावित्री फुले, सावित्री फुले, और सावित्री फुले के साथ में ये ताराबाई शिंदे भी थी, यानी कि इन तीनों ने मिलके सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कभी ये भी सवाल आ सकता है आपके,
कि निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज से संबंधित नहीं है, जिसमें ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, ये तीन नाम आ जाएंगे, चार नाम आ जाएंगे, उसमें राइट आंसर आपके फिर पंडिता रमाबाई होगा। ये ताराबाई शिंदे सत्य शोधक समाज की संस्थापिका भी थी पहली बार में, और बाकी ये स्त्री पुरुष तुलना नामक मराठी भाषा में एक पुस्तक भी लिखी। आज हमने इस चर्चा के माध्यम से आधुनिक भारत के अंदर जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार आंदोलनों के जो सवाल हैं वो अभी हमारे सामने आए नहीं, जिसमें अगर हम पढ़ते तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती तथा अन्य जो पक्ष हैं उनको पढ़ते, लेकिन जब पूरी क्लास होगी उस दौरान हम विधिवत पूरा एक्सप्लेन के साथ पूरा डीपली तरीके से एग्ज़ाम में किस किस वे में आपको जाना है उनको हम पढ़ेंगे। आशा है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स हैं इसके अंदर आप कमेंट डाल सकते हैं। मिलेंगे साथियों अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रेंथ करते रहिए। धन्यवाद।